हेलो गाइस, वेलकम बैक टू DSA ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, आज जो हम जो है लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, प्रोफेशनल सर लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। आपने अभी तक जितने भी लोगो देखे होंगे इंटरनेट पे, उन सबसे हट कर हम जो ये लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। काफ़ी क्रिएटिव माइंड है, काफ़ी दिमाग लगा के मैंने ये लोगो डिज़ाइन कम्प्लीट किया है। मैं चाहता हूँ आप इसी तरीके से जो लोगो डिज़ाइन करना सीखें, थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा हट के आप जो है अलग अलग डिज़ाइन करना सीखें। तो वीडियो का भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स गेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सिंपल सा एक जो है सर्कल इसमें ड्रॉ करना है। तो आपको जो है सर्कल में जाना है, एलिप्टिकल शेप। देन आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। परफेक्ट, कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो ये परफेक्ट अपनी शेप को बनाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसको एंड इसी की हमें कॉपी करनी है अंदर की तरफ ड्रैग करके। ओके नाउ, अब ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको हल्का से थोड़ा सा और अंदर कर देते हैं। परफेक्ट, अब हमें इसी की कॉपी कर देनी एंड इसको लाना है कंट्रोल के साथ यहाँ तक। परफेक्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ से पेन टूल लेना है एंड इसको ड्रैग करना है पेन टूल को कंट्रोल के साथ एंड कंट्रोल के साथ ड्रैग करके इसको जो है सो अब ये इतना हो गया। एंड इसको क्या करना है, हमें जो है इस लाइन को, इस आउटलाइन को अपने सर्कल के सेंटर में लाना है। तो इस दोनों को सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ एंड सी प्रेस कर देना, तो ये जो इसके सेंटर आ जाएगा। देन सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है, इसको ड्रैग करना है एंड इसको यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर में ले आना है। ओके सो ये हो गया। देन अब हमें क्या करना है, फिर से इसको सेलेक्ट करना है एंड इसको इसके सॉरी इस लाइन को सेलेक्ट करना है, इसको जो है कंट्रोल के साथ 90 डिग्री पे रोटेट कर देना है। देन क्या करना है कि इसको जो है बड़ा कर देना है एंड इसको इसके इस वाले सर्कल के इक्वली हमें ले आना है इस तरीके से। सो अब ये इतना हमारा हो गया, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो है रेक्टेंगल लेना है एंड इस शेप के इक्वली हमें इसको ड्रैग करना है इस तरीके से। देन हमें क्या करना है, इसको जो है नीचे ड्रैग करना है। ओके ये हो गया। एंड इन दोनों को हमें क्या करना है, राउंड कर देना है, दोनों को सिलेक्ट करना है एंड राउंड कर देना है। इतना आपको समझ आ गया होगा। ओके अब यहाँ पे हमें स्मार्ट पेट्रोल जो इसमें फिल कर देना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको फिल नहीं करना है। ओके एंड यहाँ से फिल नहीं करना है, आपको यहाँ से इसको फिल करना है। तो सिलेक्ट फिल करना है स्मार्ट पेट्रोल इस तरीके से, देन इस तरीके से। ओके एंड फिर यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ तक इसको फिल कर देना है। तो अभी ये इतना क्या बन गया, हमारा एस बन गया है। परफेक्ट ओके अब हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको। तो अब ये यहाँ इतना पी हमारा बन गया, लेकिन इसको कम्प्लीटली डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा लोगो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है अभी आपको। तो अब क्या करना है, आपको इनको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, देन इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, आपको शिफ्ट को दबा के रखना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अब इन सबको हमने शिफ्ट को होल्ड करके इन सबको सेलेक्ट किया है, तो इनको क्या कर देंगे हम यहाँ से वेल्ड यानी कि जोड़ देंगे।
तो ये अब इतना पूरा वेड हो गया, ये थोड़ा सा बचा हुआ यहाँ पे एजेस, तो इसको भी सेलेक्ट करते हैं एंड वेल्ड। तो अब ये इतना यहाँ से एंड यहाँ तक ये वेल्ड हो गया। अब हमें इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से इन दोनों को एंड इसको वेल्ड। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइनिंग है इनको डिलीट कर देते हैं पहले, एंड बाकी जो सर्कल है इनको भी डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट। ओके, सो ये इतना हमारा हो गया। एंड बाकी बच्चा ये नीचे वाला है इसको भी डिलीट। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा अलग हो गया, ठीक है, एंड ये हमारे अलग हो गए। तो अभी क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इनको सेलेक्ट करके इन दोनों को वेल्ड कर लेते हैं। अब ये अलग हो गया एंड ये अलग हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे हमें आउटलाइन डालनी है, लगभग 16 की मैं आउटलाइन इसमें डाल देता हूँ। अब इस आउटलाइन को आपको, इस आउटलाइन को आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिंपली ऑब्जेक्ट में जाना है एंड कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू सिंपली इसका शॉर्टकट की है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे जाना है कंट्रोल शिफ्ट क्यू शॉर्टकट की है। सो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है आउटलाइन को, देन इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से कर देना है इसको ट्रिम। जैसे हम ट्रिम करेंगे तो ये जो क्या करेगा कि इतना एरिया को ये कट कर देगा जितने एरिया पे हमारा आउटलाइन आई थी। तो इसने बिल्कुल इतना एरिया इसको कट कर दिया, यहाँ से भी इसको कट कर दिया। तो यहाँ पे अब इतना हमारा लोगो लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल से जो है अपने प्रोफेशनल से लोगो जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई बस आपको हल्का सा अपने दिमाग में क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, तो आप अपनी चीज़ों को काफ़ी इजीली जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।